मऊ के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। ये एक्शन तब हुआ जब ये सामने आया था कि इस स्कूल में हिंदू छात्राओं के भी हिजाब पहनाया जाता है। ऐसा कहा जा रहा था कि ये स्कूल मान्यता नियमों का पालन नहीं कर रहा था और इस स्कूल में कई अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद इसकी मान्यता निरस्त कर दी गई है। निजी स्कूल पर गिरी गाज, हिजाब मामले में सीएम का बड़ा फैसला। सीएम की सख्ती के बाद बड़ी कार्रवाई। निजी स्कूल की मान्यता रद्द। मध्य प्रदेश के दमोह में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने के मामले में निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी गई है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सहायक सागर विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से की गई सख्ती के बाद जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इस मामले पर स्थानीय स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक ने नाराजगी जताई थी। दमोह के एक विद्यालय में अनियमितताएं पाए जाने पर उसकी मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई। मेरे भांजे भांजियों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मध्य प्रदेश सरकार ऐसे कृत्यों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। इससे पहले स्कूल प्रबंधन ने सफाई दी थी, स्कूल में बच्चियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। जिसे लोग हिजाब बता रहे हैं वो असल में स्कार्फ है। टेंथ बोर्ड का सब एग्जाम आने के बाद हम लोगों ने, बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि हमारे 65 में से 61 स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पे हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। तो उसी को की खुशी में हम लोगों ने एक बैनर लगाया जिसमें बच्चियों की फोटो थी, उसमें कुछ नॉन मुस्लिम बच्चियां भी थी, लेकिन चूंकि हमारे स्कूल का ड्रेस कोड स्कार्फ था तो बच्चियां स्कार्फ पहन थी। कुछ दलों ने इसके ऊपर कार्रवाई की और ये यहां तक पहुंची, लेकिन जो कुछ यहाँ पे मिला ऐसा पेरेंट्स की सहमति है, क्योंकि आज तक एक भी कंप्लेन ना पेरेंट्स की तरफ से ना स्टूडेंट्स की तरफ से दर्ज हुई है कि उनको इस चीज में किसी कोई ऑब्जेक्शन। जब वो जब लगा के नहीं जाते थे तो उनसे गुड्डा नाम का कोई वॉचमैन वो रोकता था और फिर उनको हिजाब लगाने के लिए बोलता था। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान टीम ने स्कूल प्रबंधन से कई सवाल किए, लेकिन किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं जब राज्य बाल आयोग की टीम दमोह पहुंची, जिसमें बाल आयोग के दो सदस्य शामिल थे जिन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया, तो हकीकत सामने आई। जो दिन भर यहाँ पे निरीक्षण हुआ उसमें तो एक तो जो बच्चों की पुस्तकें मिली, उर्दू भी उसमें पुस्तकें हैं जो उनको नर्सरी से पढ़ाई जाती है, वो सारी पुस्तकें थी। दूसरा इनका जो इन्होंने बताया कि ये बच्चों से पुस्तकों की फीस नहीं लेते हैं, और जिनकी रसीद बुक दिखी उसमें ऐसा लग रहा है वो सारा टोटल करके वो बच्चों से फीस ले रहे हैं, सारा कुछ उसमें इंक्लूड है। तीसरा एक चीज ये समझ में आया कि ये उसको स्कार बोल रहे हैं, और जिन दो बच्चों से हम लोगों की बात हुई वो बच्ची ने बताया कि वो स्कार नहीं, यहाँ पे स्कूल में उनको बोला जाता था कि वो हिजाब लगाएं, कई बच्चियों ने बताया। अभी तो हम कुछ बच्चियों से मिलके आ रहे हैं। स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी की जांच की भूमिका पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, कुछ दिन पहले ही दमोह के एक निजी स्कूल के छात्रों के रिजल्ट पर एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस पोस्टर में बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली छात्राओं की फोटो और नाम छपे हुए थे, लेकिन बवाल इस बात पर हुआ कि सारी छात्राएं, जिसमें हिंदू लड़कियां भी शामिल थी, वो भी हिजाब में दिख रही थी। जाहिर है सीएम के एक्शन के बाद स्कूल पर कार्रवाई हुई और उसकी मान्यता रद्द कर दी गई, लेकिन सवाल यही उठता है कि एक तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मामलों में कमी नहीं आ रही है। देखने वाली बात यह है कि आखिर प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होगा और इस तरह की लापरवाहियों पर लगाम कब लगेगी। दमोह से न्यूज़ स्टेट के लिए संजय सरवरिया की रिपोर्ट।